आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। बिजनौर नूरपुर रोड पर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक मारुति में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बीती रात 1 बजे हरीश साजू पुत्र सुरेश शर्मा निवासी हल्दौर अपनी बीवी को दवाई दिलाने बिजनौर जा रहा था। वहीं अचानक हल्दौर के पास गहलोत कॉलेज के सामने बीच सड़क में तेजी से आ रहे ट्रक ने मारुति पर टक्कर मारी। मारुति सवार बिट्टू पुत्र हरीश की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पत्नी हरीश और संतोष पत्नी सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार साईं हॉस्पिटल में जारी है। सर, मेरी मिसेज की रात तबीयत अचानक खराब हो गई, उसको गले में फंदा सा लगा और वो तड़पने लगी घर में। छोटे भाई ने मेरे एकदम गाड़ी मंगाई और मुझे भी ऊपर गाड़ी में बैठाया। मम्मी को भी बिजनौर ले जा रहे थे, साहब रास्ते में ट्रक खड़ा था, उधर से लाइट दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ी तो अचानक गाड़ी में गाड़ी हमारी बस। तो किसी की इसमें मौत वगैरह हुई? बस ये मैं कह नहीं सकता, किसी की जानकारी नहीं, अभी आप बता नहीं रहे, मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा। मैं तो रात से गाड़ी रहा। अभी आपकी तबीयत कैसी? मैं तो ठीक हूँ, खैर मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है इसमें। क्या नाम है? नाम प्रणाम है मेरा, मैं मामला ये था कि रात को वाइफ की तबीयत खराब थी तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल में ले गया। किसकी वाइफ की तबीयत खराब? साजी हरीश की वाइफ की तबीयत खराब थी, ठीक है, तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे रात को। तो जैसे ही आप हल्दौर रोड से आप बिजनौर की तरफ मुड़ते हैं, गहलोत कॉलेज से थोड़ा पहले एक बीच रोड पर ट्रक खड़ा था जिसका ना कोई लाइट इंडिकेशन था, ठीक है, ना कोई ब्रेक लाइट जली थी, ना उस ट्रक के आसपास कोई था, और सामने से दूसरी गाड़ी आती हुई पासिंग मारते हुए दूसरी जो पासिंग लाइट थी उसके चक्कर में गाड़ी ट्रक के बीच में आ गई। गाड़ी में 5 आदमी थे जिनमें से एक की तो मौत हो गई मौके पर ही, और 4 आदमी हॉस्पिटल में बैठे हैं। एक मिनट में पकड़ गया।